नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं आयशा। हरिद्वार जिले में नकली दवाइयों का कारोबार करने वाले कई लोग अब तक जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई फैक्ट्रियों में नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं। आपको बता दें, बीती शाम ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि भगवानपुर इंडस्ट्रीज अल्ट्रामेट नाम की एक कंपनी है जो कि फूड के लाइसेंस पर चल रही है, और इस कंपनी में नकली दवाई बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना भगवानपुर थाने से मिली थी। जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और चलती कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए सभी नकली दवाइयां बरामद की। पहले भी इस कंपनी में ड्रग विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी, और जो अभियुक्त इस कंपनी में नकली दवाई बनाने का काम कर रहे थे उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब फिर से किसी के द्वारा ये फैक्ट्री किराए पर लेकर नकली दवाई बनाने का काम कर रही थी, जिसको बीती रात ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सील कर दिया गया और कंपनी मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल कंपनी स्वामी फरार चल रहा है। पुलिस के द्वारा जल्द ही कंपनी स्वामी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमको आज सुबह जो है भगवानपुर थाने से फ़ोन आया था और सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे लिकेश्वरी में कोई दवा कंपनी है जिसमें नकली दवाएं जो है निर्मित हो रही हैं, विक्रय के लिए बेची जा रही हैं। तो हम मौके पे आए हैं, लेकिन ये दवा कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दवाएं बन रही थी, नकली दवाएं बन रही थी, और हमने जो दवाइयाँ बरामद हुई हैं उनको सील मोहर कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए भगवानपुर थाने की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ, पहले इसी भवन में हम बोलेंगे, इसी भवन में पहले एक कंपनी संचालित हो रही थी जिस पर कार्रवाई विभाग द्वारा की जा चुकी है, पूर्व में ही की जा चुकी है। अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो अभियुक्त हम आज जो मौके पर मिले हैं, ये अभियुक्त अलग हैं उनसे, और यहाँ पे ये दवाइयाँ जो बरामद हुई हैं ये हायर एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये हमने अपने कब्जे में ले लिया, अभी इनको पुलिस के सपोर्ट किया जाएगा। मशीनें अभी इन्होंने पूरे बयान दिए नहीं है मशीनों के बारे में, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो मौके से नदारद है, उसे काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन वो मौके पे आया नहीं है। अभी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वाद दायर करेंगे, न्यायिक हिरासत में भेजेंगे, हिरासत में भेज के एंड अग्रिम कार्रवाई पुलिस इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई करेगी। फिर देखो, विभाग तो अपना कार्य कर ही रहा है, बाकी जो लोग गलत काम करेंगे उनके बख्शा नहीं जाएगा, एंड जो गलत कर रहे हैं तो उनके बारे में भी क्या बोलना।